विरार में एक ज्वेलर्स की दुकान में एक नकाबपोश महिला नकली पिस्टल की नोक पर एक ज्वेलर्स की दुकान में लूट करने की कोशिश कर रही थी, मगर दुकानदार ने उसे पकड़ लिया है। ये घटना सीसीटीवी में कैद हो चुकी है। आपको बता दें कि विरार पश्चिम देवनारायण ग्लोबल ज्वेलर्स की दुकान है और मंगलवार को दुकान में अकेले ही दुकान मालिक देवलाल गुज्जर मौजूद थे। तभी एक नकाबपोश महिला उन्हें शादी के लिए गहने दिखाने के लिए कहती है। करीब 2 घंटे तक ये महिला गहने देखती है, मगर तभी अचानक झोले से पिस्टल निकालकर इस दुकानदार को डराने की कोशिश करती है और दुकान में लूटपाट की घटना को अंजाम देने की कोशिश में लग जाती है। मगर तभी ये दुकानदार देवलाल गुजर ने महिला को पकड़ लिया और इस महिला को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। बाद में पता चला कि महिला जिस पिस्टल से दुकानदार को डरा धमका रही थी, दरअसल वो पिस्टल ही नकली थी। घटना के बारे में देवलाल गुज्जर ने क्या कुछ जानकारी दी है, आपको सुनाते हैं। नाम क्या आपका और कैसे ये पूरे लूट का? मेरा नाम देवलाल गुज्जर है, शॉप का नाम देवलाल ज्वेलर्स है। ऑलरेडी जैसे आई थी कस्टमर बन के आई थी, मेरे पास में ज्वेलरी देख रही थी और ज्वेलरी वापस एक देख रही थी, एक ले रही थी, एक देख रही, एक ले रही थी और वापस मैंने ट्रेन रखा तो उसने पीछे से गन निकाल के मेरे को दिखाया तो मैंने बाहर कूद के उसको पकड़ लिया मैंने और बाहर लेके चला गया। कितना टाइम तक वो सभी उसने 1.5 घंटे तक मेरे पास में ज्वेलरी देखा था उसने और परसों भी मेरे पास में आके गई थी। क्या क्या कुछ देखा उसने? और ज्वेलरी देख रही थी, मतलब शादी के लिए उसको ज्वेलरी चाहिए थी तो धीरे धीरे करके वो टाइम पास करके देख रही थी। कितने बजे ये हादसा? 1:45 आ गई थी मेरे पास में। वो बंदूक जो दिखाई थी वो सही में असली थी या नकली? वो पुलिस से पूछा तो बोला असली नहीं है, लाइसेंस मालूम पड़ा मुझे।